गाड़ी चेक हो गई पूरी? ओ भैया गाड़ी चेक हो गई, आप पार्ट में ले जाओ फिर भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अब और अंदर से सारी चीज़ें चेक कर लो, है ना? हाँ एकदम एक्यूरेट हो जानी चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं 6-7 हज़ार किलोमीटर की ट्रिप पे जा रहा हूँ। 6-7 हज़ार किलोमीटर दूर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी पैकिंग हो गई लगभग लगभग संगीता? बस हमने ना हम वो कपड़े सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन-कौन से ले जाएं, कौन-कौन से नहीं ले जाएं। तो वो तो काफी सारे बैग होंगे ना? हाँ हाँ बहुत सारे हो गए बैग। चलो मेरे को सारे बैग दिखाओ। मेरे कपड़े पैक हो गए? आपके कपड़े नहीं, आपके कपड़ों को मैंने कुछ नहीं किया है, गर्म कपड़े लिए बस। अभी तो अभी के सामान भी जमाने हैं, मेरे सामान भी जमाने हैं। क्यों अभी तेरे सामान भी जमाए? तू भी तो चल रहा है अपने ट्रिप पे। नहीं ये सारे कपड़े आ गए? अब बोल। इनमें तो मेरे कपड़े हैं। अच्छा इनमें सिर्फ तेरे कपड़े हैं? ये मेरे कपड़े हैं अभी तो। अच्छा मेरे कपड़े? उसमें गर्म कपड़े। 20 दिन का ट्रिप है तो बहुत सारे कपड़े जमाने पड़ेंगे। सो अभी हम प्लान करते हैं उधर से और फिर मतलब कि कपड़े जमाने की तैयारी करते हैं। आप ये बैग लेने आए थे और क्या करने लगे? कॉलेज लाइफ की यादों को ये मेरे बैग ही है, तो समझ ही रही मैं, जब तक कॉलेज में था तब ये बैग मेरा वहाँ पे मेरे साथ था। और इसकी जो सारी चीजें मैंने सारी उस पैकेट में वैसे भी जमा चुका हूँ मैं। अब तो इसमें कुछ नहीं है, बैगों का खजाना है, अलग अलग टाइप ऑफ बैग्स, अलग अलग टाइप के बैग है। सो ये मिल गया बैग अभी मैं, अब बस मेरा मतलब ये सारी चीजें मिल गई हैं, अब बस मेरे को गिटार और ढूंढना है, क्योंकि मैं पहाड़ी पे चल के सिंगिंग भी करूंगा। अच्छा हाँ, तो गिटार कहाँ है मेरा? गिटार ऊपर से, अच्छा वो नैना ने उतार के रख दिया इस साइड पे। गिटार इसकी भी साफ सफाई करके और आराम से इसको भी लेके चलेंगे अपन। पैकिंग स्टार्ट हो गई आपकी भी? कंप्लीट पैकिंग स्टार्ट हो गई है। 20 दिन का जो प्लान था उसके लिए सारे ठंडे कपड़े तो मैंने इधर, मेरे वो जैकेट का है एफएम के पड़े हुए थे जो, वो रख दिया। एक तो ब्लैक कलर का और एक मोंटी कार्लो वाला जैकेट भी। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो तो ये सारी जींस मैं तेरे साथ से 20 दिन के लिए कपड़े खूब होंगे क्या? हां खूब है। काफी टाइम हो गया मुझे गए हुए, अब मैं इसमें लगेगा भाई नहीं, हाँ घूमने जा रहे हैं। ये बैग लगाने के बाद ही मुझे फील हो रहा था कि हाँ भाई घूमने जाने वाली फीलिंग आ रही है ना मेरे को, तो ट्रेकिंग वाली फील आ रही है इसमें, ट्रेकिंग वाली। अब तो ट्रेकिंग तो देख भाई कॉलेज का टाइम चला गया, जो ट्रेकिंग वेकिंग तो गई जमाने, अब तो बच्चे हो गए हैं क्या बताऊँ मैं। चल रहा है ये भी ले लें गाड़ी में, गर्दन वर्दन रेस्ट करने लग गया। हाँ ये तो चाहिएगा, ये चाहिए होगा ना भाई। आप घूमने जा रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन अब आप ब्लॉगर भी बन गए हो तो सारे इक्विपमेंट ले लेना। नहीं सारे ले लिए मैंने, ये तीनों बैग देख मेरे, इन तीनों बैग के अंदर, इसके अंदर तो मेरा लैपटॉप और हार्ड डिस्क रहेगी, इसके अंदर मेरे कैमरे के सारे इक्विपमेंट रहेंगे और इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट में लेके रखूंगा। सो तीनों बैग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कपड़े छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं पर कैमरे की कोई एक्सेसरीज नहीं छूटनी चाहिए। अभी तो संगीता वो सेल्फी स्टिक का है, ये आप अभी कैसे ब्लॉगर बनोगे? वो सेल्फी स्टिक और वो चीजें कहाँ गई? वो ग्रीन वाली। अब क्या खाली पावर बैंक और वो बच रहे हैं? एक तो पावर बैंक रह रहा है और एक गाड़ी का फास्ट चार्जर रह रहा है ताकि वो गाड़ी में फुल चार्ज हो जाए। वैसे आप पावर बैंक भूल गए तो अपना ये सबसे छोटा ब्लॉगर जो गेम खेल रहा है अभी भी आपकी ब्लॉगिंग तो रह ही जाएगी। जितनी मस्ती करनी है चाचू और तुम दोनों कर लो, क्योंकि कल अपन निकल जाएंगे। अरे अभी इसमें किसको मजा आ रहा है बिट्टू? ये इसको ऐसे ही मजा आ रहा है गेम देख। अभी के लिए अच्छा रखते जाएगा ना सबको यहाँ पे, अभी को यही रहने देंगे क्योंकि तू तो अभी तो यही रहेगा ना क्यों भी? जितना गेम खेलना है सब आज खेल लो, क्योंकि कल तो अपन सुबह सुबह जल्दी से निकल जाएंगे। पैकिंग करते करते थक गए थे तो नैना कोल्ड ड्रिंक लेके आई और अब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं थोड़ी देर। और संगीता लगभग लगभग सारी पैकिंग हो गई ना, 12 बज चुकी है आज की, तो हो चुकी है।
पैकिंग तो ठीक है, लेकिन आप गाड़ी कौन सी लेके जा रहे हो? गाड़ी मारुति। क्या भैया कितनी कंजूसी करोगे, कम से कम हुंडई तो लेके जाओ। हुंडई डीजल बहुत ज्यादा खाती है ना, मारुति में तो देख कर 23-24 का एवरेज देती है, जो थोड़े डीजल में गजब चलेगी गाड़ी और धमाधम उड़ती भी जाएगी। 5-6 हजार किलोमीटर का ट्रिप है, अब हुंडई तो बहुत ज्यादा तेल खाएगी। तो आप उसको एकदम कंप्लीट करवा के लेके आना कल, फिर वरना जाके नहीं आ पाएगी वो। अभी तो सारे बैग में सामान जमा, पर सुबह मतलब कि मैं उसको एक बार कंप्लीट चेक करवा ही लेंगे, छोटा मोटा करवा लेंगे। नहीं फुल कंप्लीट करवाना, कहाँ पहाड़ों में आप उसको छोटा मोटे में चलवाओगे? और वैसे वो तो एवेंजर है। चल फिर भी सुबह सुबह चेक करवा के ले आइए, ठीक है? ओके वापस आके चेक कर लेना। मैं रात को पार्टी चल रही है, सारे कोल्ड्रिंक पी रहे हैं। अभी के मार खाने का टाइम आ गया मुझे लग रहा है। इसको थोड़ा बजाना ही पड़ेगा, अभी मान नहीं रहा है और इसके दांत भी दिखा रहा है इसके अंदर, इसलिए पीपी करनी पड़ेगी इसको। अभी ये रसना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं है। ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? फेंक दूंगा बाहर में तेरे को। सबके ऊपर एक एक के ऊपर पंच अटैक कर दूंगा मैं। ये लो ये पी के देखो। भैया आप भी खाना खाओ। मेरे तो मंडे आज फास्ट है, मैं तो गाड़ी सही करवा के लेके आऊं। हां वो गाड़ी सर्विस कराने जा रहा हूं मैं। हां उसको एकदम कंप्लीट करवा के लेके जाऊं, उसको आगे से पीछे तक एकदम ओके करवा के लाऊंगा मैं। अभी फास्ट हमारे, आप खाना खाओ। आप भी फास्ट हो क्या? अरे फास्ट में बनने वाली चीजें इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि इसके आगे खाना मतलब कि फीका लगता है। सो अभी खाना का चुपचाप। फास्ट में आम और ये फ्रूट्स और ये चिप्स और ये अभी जो फास्ट के मुझे सारी पैकिंग हो गई हैं। रात को देर रात तक हमने सारी पैकिंग की थी, तो अभी मैं जा रहा हूँ मतलब कि अपनी गाड़ी को सर्विस के लिए देने, और उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें चेक करवा के आ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद में क्या होगा कि पहाड़ के ऊपर तो फिर समस्याएं आ सकती हैं। सो अभी सारी चीज़ें यहीं पे अपन कर लेते हैं। सो चलते हैं अभी गाड़ी चेकअप करवाने। आ गए हम यहाँ पे, गाड़ी वाड़ी चेक करवा लेते हैं। अभी अपनी गाड़ी चेक करेंगे ये भैया, अब एक बार ये खुद टेस्टर लेके आएंगे, अभी गाड़ी घुमा लेते हैं तो फिर हम भी बैठते हैं और हम साथ में टेस्टर लेते हैं और बताते कि इस पर ये प्रॉब्लम है। तो गाड़ी घूम चुकी है, गाड़ी इसे चला के चेक कर रहे हैं क्योंकि 8000 किलोमीटर गाड़ी जाने वाली है, तो सभी खड्डों वड्डों पे हम पहले चेक करवा लेते हैं। उससे क्या होगा कि हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी भाई कहाँ क्या प्रॉब्लम है, हमारे रास्ते में गाड़ी फंसे नहीं। लगता है मुझे गाड़ी कंप्लीट हो गई है, गाड़ी सारी सर्विस होकर कंप्लीट हो गई है। तो अभी अपन चलते हैं, क्योंकि अब ये सारे काम हो गए हैं तो अब वैसे भी पैकिंग वैकिंग करनी है, पैकिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी होगी, फिर अब अपने को चलने के लिए तैयार है अपन ट्रिप पे।